हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शर्मा दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी की डिमांड पे और यहां पे एम्पलीफायर भी कुछ ऐसा आ चुका है। बेसिकली दोस्तों ये एम्पलीफायर है स्पेशली फॉर बेस, यानी इसका नाम भी इस कुछ इस टाइप से रखा है, यानी सब ऊपर के टाइप के यहाँ पे बेस के लिए स्पेशल एम्पलीफायर होने वाला है। एनओसी इंडिया की तरफ से आता है और यहाँ पे ड्यूल चैनल में आता है और काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर आता है और वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह आ जाता है एम्पलीफायर का बॉक्स पैकिंग, और बॉक्स पैकिंग पे आपको क्या क्या डिटेल है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है, सब 8K डीजे एम्पलीफायर के नाम से इसको जाना जाता है। इस साइड दोस्तों सिंपली यहाँ पे एनाउंस इंडिया की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और फटाफट से यहाँ से मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये होती है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, यहाँ पे जो पैकिंग कहते हैं ना उसे, डबल बॉक्स पैकिंग के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं चारों साइड से यहाँ पे थर्माकोल, यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है उसका यूज करा गया है हर कोने पे, तो कहीं से कहीं तक भी इस पे डैमेज नहीं होने वाला। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ एम्पलीफायर, उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यह आता है एरोंस इंडिया की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है सब 8K। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया ये बेस के लिए स्पेशलाइज्ड बनाया गया एम्पलीफायर है, तो इसका नाम भी सब 8 यानी सब वूफर से रिलेटेड ही लिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आता है हैंडल बार की क्वालिटी, और ये देख सकते हैं ये आता है वॉल्यूम की नोब की क्वालिटी आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये आता है लेवल, यानी चैनल 1 का लेवल इंडिकेटर लाइट्स और चैनल 2 के लेवल इंडिकेटर लाइट्स। चैनल 2 का यहाँ पे आपको वॉल्यूम नोब देखने को मिलता है, ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन है दोस्तों, और बेसिकली दोस्तों फ्रंट से पूरा का पूरा यहाँ पे मेटल में यूज करा गया है, हर एक चीज यहाँ पे हमें मेटल में यूज करी हुई देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये आ जाता है एम्पलीफायर के बैक पैनल पे आपको जो है वो डिटेल्स, यहाँ पे 2 फैन आपको शो हो रहे होंगे, तो ये काफी बड़े फैन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बड़े फैन आ जाते हैं। साथ में दोस्तों ये आ जाता है आउटपुट सेक्शन, तो यहाँ पे आपके पास ये वायर का भी ऑप्शन आपको दे रखा है। साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्पीकर का यूज करना चाहें तो दोनों में आप यूज कर सकते हैं, चैनल 1 यहाँ पे ब्रिज के लिए इस्तेमाल होगा, और बाकी आप जैसे सेपरेट सेपरेट यूज करना चाहें तो वैसे यूज कर सकते हैं। इनपुट सेक्शन हो गया दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस्ड ही इनपुट और आउटपुट आपको मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यह आता है कुछ सेटिंग स्विचेस, मोड सेलेक्शन स्विचेस, सेंसिविटी आपको दे रखा है, मोड यानी स्टूडियो करना है आपको, ब्रिज करना है, यहाँ पे फिल्टर आ जाता है, और लो पास यानी लो पास इनहेंस का भी फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। वायर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, लेंथ इसकी काफी बड़ी मुझे देखने को मिलती है। चलते हैं कुछ और डिटेल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा यहाँ पे आपको एम्पलीफायर फ्रंट और बैक पैनल से देखने में, जरूर नीचे कमेंट बताना। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पावर रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो पावर रेटिंग है, नॉमिनल पावर रेटिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको ये 8 ओम्स पे 1600 वाट दे देता है, यानी पर चैनल आपको 1600 प्लस 1600 वाट आपको ये दे देता है। यहीं दोस्तों अगर आपको इसको 4 ओम्स पे रन करवाना है तो यहाँ पे आपको 2600 वाट पर चैनल देता है, 2600 प्लस 2600 वाट आपके पास मिल जाती है आउटपुट। यहीं दोस्तों अगर आप इसको 2 ओम्स पे रन करवाना चाहते हैं, जो कि रिकमेंडेड है, यहाँ पे स्टेबल रहेगा ये एम्पलीफायर, क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ इस टाइप की इसके अंदर यूज करी गई है, तो दोस्तों ये 2 ओम्स पे आपको 4200 वाट यानी 4200 वाट आपको ये दे देता है पर चैनल, और पर चैनल यहाँ पे आपको दे देता है। यहीं दोस्तों अगर मैं ब्रिज आउटपुट की बात करूँ, तो दोस्तों जैसे कि ब्रिज आपको पता है, यहाँ पे ब्रिज आप इस एम्पलीफायर को दोनों चैनल को कन्वर्ट करके एक आउटपुट ले सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैवी होगा। तो यहाँ पे ये 8 ओम्स पे आपको जो ब्रिज की पावर देता है वो देता है 5200 वाट यानी 5200 वाट। यहीं दोस्तों आपको अगर इसको 4 ओम पे रन करवाना है तो ये आपको 8400 वाट दे देता है ब्रिज आउटपुट पे। तो आउटपुट काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। और यहीं दोस्तों मैं इसकी डैम्पिंग फैक्टर की बात करूँ, तो उसकी जो डैम्पिंग फैक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, 800 की डैम्पिंग फैक्टर रखी गई है। यहीं दोस्तों ये कौन सी क्लास के अंदर एम्पलीफायर आता है, दोस्तों ये आता है क्लास AB+D क्लास के अंदर, यानी ये दोनों को एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी के इसके अंदर यूज कराया है। क्वालिटी परफॉर्मेंस दोनों आपको मिलेगा, डी क्वालिटी मिलेगा, ए बी आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, तो ये दोनों कन्वर्ट करके कुछ नया इनोवेशन करा गया है कंपनी की तरफ से। यहीं दोस्तों मैं इसकी बात करूं इसके वेट का, यानी इसका जो वेट है वो कितना है, तो दोस्तों इसका जो वेट है वो है 39 किलो, यहाँ पे 39 किलो इसका जो वेट है वो आपको देखने को मिलता है। स्पेशलाइज्ड यहाँ पे आपको जो है वो बेस के लिए एम्पलीफायर बनाया गया है, जैसे इसका नाम ही है सब 8K, यानी सब वूफर के लिए 8K हमारा
एम्पलीफायर आपको देखने को मिलता है। यहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसमें कुछ और फीचर के बारे में जो कि हमें बैक स्विचेस पे देखने को मिलती है, तो सबसे बढ़िया जो फीचर मुझे लगा, खुद मैंने इसको पर्सनली जब यूज़ करा अपने इवेंट पे, चाहे मैं इसको टेस्टिंग पे देखूँ, तो यहाँ पे जो 30 हर्ट्ज़ का जो फिल्टर आपको दिया है, जो कट ऑफ दिया है, वो बहुत ही अच्छा है। इससे दोस्तों फ़ायदा क्या है कि आपके जो स्पीकर हैं यानी बेस के जो स्पीकर हैं वो बहुत ही सेफ रहते हैं। कुछ गानों में तो यहाँ पे नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन कुछ गानों पे यहाँ पे जो लेवल होता है, गेन लेवल होता है, बहुत ही हाई बढ़ जाता है। तो उससे क्या रहता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है 30 हर्ट्ज़ से नीचे की, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है हमारे स्पीकर को। तो यहाँ पे ये फीचर देने का मकसद ये था कि दोस्तों आपके जो स्पीकर है बहुत ही सेफ रहेंगे। यही दोस्तों आपको जो लो बेस इन्हेंस का जो स्विच मिलता है वो बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। तो यहाँ पे क्रॉसओवर लगाने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे क्रॉसओवर की सेटिंग करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वो दो स्विच मैंने आपको बताए हैं वो ऑन कर दीजिए और यहाँ पे बेस की परफॉर्मेंस आप देखिए लाजवाब आपको मिलेगी। मैं भी काफी दंग रह गया था यहाँ पे इसकी क्वालिटी को सुनकर, और यहाँ पे बाकी जो मैंने एम्पलीफायर लगाए थे यहाँ पे इसके साथ में, मतलब कमाल कर दिया था इस एम्पलीफायर ने। यहाँ पे मैं बढ़ा ही जा रहा था वॉल्यूम, लेकिन ये एम्पलीफायर मेरे बेस के स्पीकर को फुकने नहीं दे रहा था। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस एम्पलीफायर के साथ। यही दोस्तों अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग दोस्तों मैं यहाँ पे आउटडोर में करने वाला हूँ, प्लस मैं आपको थोड़ी सी टेस्टिंग यहाँ पे अपने इवेंट के भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ खुद पर्सनली। तो चलिए यहाँ पे टेस्टिंग देख लीजिए कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे हमारे एम्पलीफायर को, और सब कुछ रेडी है हमारा, सब हिट के भी रेडी है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से कनेक्शन में आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। मिक्सर में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सिंपली दो आउटपुट गई है हमारे इस मिक्सर से और यहाँ एम्पलीफायर पे। सेटिंग्स मैंने सब कुछ जैसे बेस के लिए करते हैं वैसे ही करी है। इनपुट आप देख सकते हैं, तो ये दो चैनल पे इनपुट करी है, एक आउटपुट निकाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा यह एक आउटपुट कहाँ मैं दे रहा हूँ, और ये दो स्पीकर हमारी सीधे जा रही है ये यहाँ बेस पे। तो यहाँ मैंने अभी अपनी बेस से लगा चुका हूँ, इसके अंदर ग्रिल खोल चुका हूँ, क्योंकि आपको भी पता लगता रहे कि एक्चुअल में स्पीकर चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उससे आपको पता लग जाएगा। साथ में हमने एक ऊपर 800 वाट्स का मॉनिटर भी लगा चुके हैं यहाँ पे, मिड के लिए लगाया है, और उसके लिए यहाँ पे प्री अलग से एक एम्पलीफायर हमने दिया है सिर्फ हमने मॉनिटर के लिए। तो फटाफट से यहाँ से हम ऑन करते हैं, तो कुछ इस टाइप से ये ऑन होने वाला है। ये हुआ ऑन, और करते हैं 75 वॉल्यूम बेस में। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 75% खोल के चलाइए, बहुत ही बढ़िया बेस आएगी। यहाँ पे आप मिक्सर से लेकिन कंट्रोल ज़रूर करके रखिएगा अगर आप 75% इसको खोल रहे हैं, बाकी जो अगर आप मॉनिटर हो या टॉप हो उसको 0.5% करके चलाइए, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं और गाना मैं प्ले करता हूँ, बेसिकली ब्लूटूथ से कनेक्ट है। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं टेस्टिंग दिखा, गाना प्ले करते हैं, और ये गाना हमारे किसी एक सब्सक्राइबर ने दिया है, तो उनकी डिमांड पर मैं ये गाना बजा रहा हूँ, और लीजिए। दोस्तों कैसे रहेगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा। पंच जो था यहाँ पे इसका जो प्रेशर आ रहा था, मतलब मज़ा सा आ गया इसमें यहाँ पे इस एम्पलीफायर में, और वाकई में मुझे लगा कि यार ये एम्पलीफायर वाकई में बेस के लिए बनाया गया है। तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ यहाँ पे ये एम्पलीफायर आप बेस के लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपके पास, जो भी बेस हो आप इस पर रन करवाइए, काफ़ी दमदार क्वालिटी आपको दे देगा। यही दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो दोस्तों इसकी जो वारंटी है यहाँ पे, जो वारंटी गारंटी है वो दोस्तों यहाँ पे 1 साल की इसके अंदर रखी गई है। यही दोस्तों
इस एम्पलीफायर में अगर कोई भी फॉल्ट आता आपके एक साल के अंदर अंदर, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके दे दिया जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना, आपको उसमें कुछ तोड़ना नहीं है, यहाँ पे पानी में नहीं भिगाना है। इसके अलावा अगर एम्पलीफायर खुद ख़राब होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपको एक साल की वारंटी देती है, तो यहाँ पे आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करिएगा, आपको ये ठीक करके दे दिया जाएगा। यहीं दोस्तों प्राइसिंग की डिटेलिंग की बात करते हैं, कहाँ से अवेलेबल होगा। तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है 60,000, यानी 60,000 रुपये इसकी प्राइसिंग रखी गई है। यहीं दोस्तों ये कहाँ से अवेलेबल होगा, तो दोस्तों ये शो हो रहा होगा एरोंस इंडिया का कस्टमर केयर नंबर, तो आप यहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहां पे आपको आपके स्टेट का डीलर और आपके सिटी का डीलर पता लग जाएगा कि कहां पे है, वहां से आप एड्रेस ले सकते हैं। यहीं दोस्तों ऑल ओवर इंडिया मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूं, तो आप मुझसे भी परचेज कर सकते हैं, तो यहां पे मेरे से भी परचेज कर सकते हैं। आपको एरोंस इंडिया का कस्टमर केयर नंबर भी दे दिया, सारे ऑप्शन है, प्राइस 60,000 रखी गई है, 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, और क्या चाहिए एम्पलीफायर में, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। बाकी दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा वो मेरे लिए मायने रखता है, तो जरूर नीचे कमेंट बता के जाना। ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।